यूपी के 12 जनपदों में फैला था टप्पेबाजों का गैंग। कासगंज पुलिस ने 8 टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार। टप्पेबाजों के कब्जे से एक क्विड कार, एक आई-10 कार, 2 तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 किलो 480 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर, 6 मोबाइल व 13,500 रुपये नकद बरामद। कासगंज, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा व फिरोजाबाद सहित कुल 12 जनपदों में करते थे काम। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह के 8 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 लग्जरी कार, 2 तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 किलो 480 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर के अलावा 6 मोबाइल व 13,500 रुपये की नकदी बरामद की है। ये गिरोह कासगंज, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा व फिरोजाबाद सहित 12 जनपदों में टप्पेबाज गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ है। फिलहाल एसपी BBGTS मूर्ति ने गिरफ्तार टप्पेबाजों को प्रेस वार्ता के बाद जेल भेज दिया है। एसपी BBGTS मूर्ति के मुताबिक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में थाना कासगंज व SOG की संयुक्त कार्यवाही से मुखबिर खास की सूचना पर 8 अंतर्राज्यीय शातिर टप्पेबाजों को समय करीब रात्रि 12:45 के तकरीबन मंडी के पास अमापुर रोड से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार टप्पेबाजों के कब्जे से क्विड, एक आई-10 कार, 2 तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 किलो 480 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर के अलावा 13,500 रुपये की नकदी बरामद हुई है। श्री मूर्ति ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि ये टप्पेबाज गैंग के सदस्य लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं में अलग अलग गुटों में 4 पहिया वाहन से खुद सवारी बनकर लोगों से पूछकर कहाँ जाओगे, हमारे लोग भी वहीं जाना चाहते हैं और वाहन का इंतज़ार सवारी के रूप में करते हैं और अपने साथियों को फ़ोन कर गाड़ी बुलाकर उसमें बाहर से आई सवारियों को बिठा लेते हैं और आगे चेकिंग के बहाने की पुलिस चेकिंग कर रही है, अपने अपने सामान व महिलाओं के जेवर व रुपए बड़े लिफाफे में रखवा कर निकल जाते हैं। उसके बाद रास्ते में लिफाफा बदल कर सवारी को उतार कर चले जाते हैं। लिफाफे में अखबार व मिट्टी भरी होती है। इस तरह से आने जाने वाली सवारियों को शहरों में बस स्टैंड के पास से निशाना बनाते हैं और टप्पेबाजी कर घटना को अंजाम देते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद उस शहर में 20 से 25 दिन तक नहीं जाते और हर घटना में 4 पहिया गाड़ी बदल लेते हैं। गिरफ्तार टप्पेबाजों ने अपना नाम नूर हसन निवासी दिखतौली थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद, नौशाद निवासी दिखतौली थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद, आकिर अली निवासी दिखतौली थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद, मोहम्मद जावेद निवासी समगन थाना कोतवाली गुड़सायगंज जनपद कन्नौज, सत्येंद्र सिंह निवासी कुतुबपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद, अशोक यादव निवासी सराय खानदेल थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़, जयप्रकाश पांडे निवासी धरौली थाना कोहंडोर जनपद प्रतापगढ़, सुनील कुमार तिवारी निवासी कासिमपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर बताया है। फिलहाल सभी टप्पेबाजों को पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। गंज कोतवाली टीम और SOG को बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल रात को काज मुखबिर की सूचना पर एक अंतर राज्य गिरोह जो टप्पेबाजी भी करते हैं और मादक पदार्थ की तस्करी भी करते हैं वो पकड़ा गया है। इनके मौके से हमें एक क्विड कार, एक आई-10 कार, 2 तमंचा, 315 बोर के 4 जिंदा कारतूस और 2 किलो 480 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम भी मिला है और 6 मोबाइल और करीब 14,000 रुपए इनसे बरामद हुई है। जब इनसे पूछताछ की गई है इनसे तो करीब 12 जनपदों में इनके काम का भी खुलासा हुआ है। इनके नाम है नूर हसन, नौशाद, आखिर, मोहम्मद जावेद, सत्येंद्र सिंह, ये फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जावेद, अशोक यादव, जयप्रकाश, सुनील कुमार, इनमें से 3 प्रतापगढ़ और 1 सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इनके मोडस ऑपरेंडी मेनली यही है कि जो पूर्वी के हैं, जैसे ये प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर वाले हैं, उनको इधर पश्चिम में बुलाकर उनको मदद करके उनसे टप्पेबाजी कराते और जो यहाँ से फिरोजाबाद कन्नौज वाले हैं जो वो उस तरफ पूर्वी में जाके टप्पेबाजी करते हैं और बीच में ये मादक पदार्थों का भी। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6,000 से लेकर 60,000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2,500 से लेकर 25,000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।